संजना मुझे प्रभु यीशु मसीह की कहानी बताओ जिससे मैं परमेश्वर के बारे में जान सकूं कि परमेश्वर ने जगत को कैसे बनाया और उन्होंने इंसान को कब कैसे बनाया। कृपया तुम मुझे बता सकती हो? राहुल, मैं तुम्हें परमेश्वर की ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना। आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की थी। परमेश्वर ने जानवरों की सृष्टि की थी, उसने लोगों को भी बनाया था और परमेश्वर और लोगों के बीच में मित्रता भी थी। परंतु लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था। उन्होंने गलत चीजें करने की इच्छा की थी। उन्होंने एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार किया था। वे उस परमेश्वर को भूल गए थे जिसने उन्हें बनाया था। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा ताकि वे परमेश्वर और लोगों के बीच फिर से मित्रता लाए। परमेश्वर के शत्रु शैतान ने यीशु को प्रलोभन दिया कि वे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें, परंतु यीशु ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। ओह अच्छा, यीशु ने कहा, तभी तो यीशु ने कहा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसी विषय में लगता कहा है। हाँ राहुल, यीशु ने बीमारों को चंगा किया था। यीशु ने लोगों को दुष्ट आत्माओं से भी छुड़ाया था, परंतु कुछ लोग यीशु को मारना चाहते थे। अच्छा संजना, ये बताओ प्रभु यीशु मसीह ने कोई गलत काम किया था क्या जो उनको क्रूस की सजा दी गई थी? नहीं राहुल, यीशु ने कोई गलत काम नहीं किया था, परंतु उसे पकड़ लिया गया। उन्होंने यीशु को कीलों से क्रूस पे लटका दिया। यीशु इसलिए मरा कि हमें फिर से परमेश्वर के पास पहुंचा दे। उसने उन सब गलत कामों की सजा सह ली जो हमने किए हैं। जब यीशु मर गया तो शैतान ने सोचा कि वे जीत गया है। मित्रों ने यीशु को कब्र में दफना दिया था। अच्छा संजना, ये बताओ यीशु मसीह को कब्र में दफनाने के बाद क्या हुआ था? उसके बाद पता है राहुल क्या हुआ था? 3 दिन बाद वे कब्र खाली हो गई थी। यीशु जीवित है। परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया। यीशु ने कहा, दूसरों को मेरे विषय में बताओ। फिर यीशु वापस स्वर्ग में अपने घर चला गया। स्वर्गदूतों ने कहा कि एक दिन यीशु वापस आएगा। अच्छा, यीशु मसीह फिर जिंदा हो गए थे? ओहो, तुमने तो मुझे बहुत ही अच्छे से स्टोरी समझा दिया परमेश्वर का। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत ही आशीषित हुआ इस स्टोरी को सुनकर, इस कहानी को सुनकर। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और यह घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाए। मैं तुमसे कहता हूं, मेरे पास आओ और मेरे वचन सुनो, मेरी मानो और तुम जीवन पाओगे। प्रभु को खोजो जब तक वो मिल सके, उन्हें पुकारो जबकि वो पास है। दुष्ट अपनी दुष्टता और अधर्मी अपने बुरे विचार छोड़कर परमेश्वर के पास आए और वे उन पर दया करेंगे और उन्हें पूर्ण क्षमादान दे। तुम आनंदित रहोगे और तुम्हें शांति मिलेगी। दोस्तों, प्रभु यीशु हमारे लिए श्रापित हुआ ताकि हमें आशीष प्राप्त हो जाए। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा उसका उद्धार होगा।
आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में तेरे पास आते हैं। पिता, हर एक टूटे हुए दिल को छू ले, लोगों के सारे आंसू पोंछ दे, तेरी खुशियों से सबको भर दे। हर एक बीमारी, सारे दुख दर्द, सारी चिंताएं, सारा डर यीशु मसीह के नाम में निकल कर चले जाए। सारी बुरी चीजों से सबको बचाए रखना। तुझे धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम में करते।